गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 8.9। बट बिफोर द एक्सरसाइज स्टार्टिंग, वी आर डिस्कशन अबाउट एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यानी कि सिंपली हमको ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आपको आती ही होगी आई होप। तो सेम प्रोसेस होता है, नथिंग टू चेंज, सिंपली बस ml को ml से ऐड करना एंड लीटर को लीटर से ऐड करना। सेम सिचुएशन की मिलीलीटर को मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना और लीटर को लीटर सब्ट्रैक्ट करना। सो नाउ स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.9। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड द फॉलोइंग राइट आंसर लीटर एंड मिलीलीटर। अब आपको लीटर और मिलीलीटर पर आंसर देना है और क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर ए, 2 लीटर 825 मिलीलीटर एंड 3 लीटर 455 मिलीलीटर। तो इसको कैसे हम करेंगे, सिंपली पहले हम एक तरफ लीटर वाला प्रोसेस लिख लेंगे और एक तरफ मिलीलीटर वाला प्रोसेस लिख लेंगे। क्या करना है आपको, एक तरफ लीटर वाला प्रोसेस, एक तरफ मिलीलीटर वाला प्रोसेस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 लीटर 825 मिलीलीटर, सेकेंड वाला क्या है 3 लीटर और 455 मिलीलीटर। ये हो गए दोनों हमारे। अब इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड तो ऐसे ही करा जाता है ना। अब हम ऐड करेंगे 5 5 10 10 की 0, कैरी हमारा कितना आया 1, कैरी उसी तरह लेंगे, ऐड सेम करेंगे। 5 2 7 7 1 8, यानी कि 8। अब 8 4 12 12 की पूरा 12 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमारे नंबर हैं, बट थोड़ा सा दूर लिख दिया है। सो बट ये सीमी के नंबर हैं, तो हम 8 4 12 12 की 2। अब जो कैरी आएगा वो हम क्या करेंगे, लीटर वाले में ऐड कर देंगे, 1 आएगा कैरी, तो हम लीटर वाले में बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ खाली 2 लिखेंगे, पूरा पूरा 12 नहीं लिखेंगे। जो कैरी आएगा इधर हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे लीटर वाले में। अब 3 2 5 5 1 6, तो यहाँ क्या होगा 6, तो यानी कि 6 लीटर एंड 280 मिलीलीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 6 लीटर 280 मिलीलीटर। इसी तरह हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सेकेंड वाला है हमारा 13 लीटर 500 ml एंड 16 लीटर 750 ml। तो इसको भी कैसे करेंगे, सिंपली एक तरफ लीटर एक तरफ ml, ज़्यादा दूर नहीं करना है, पास पास लिखना है। लीटर में है पहला 13 लीटर 500 ml, दूसरा है 16 लीटर और 750 ml। तो अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 0 0 0 0 5 तो 5 अब 7 5 12 होता है ना, तो 12 में की 2 ही आएगी एज दिस। ठीक, तो 12 कैरी जाएगा हमारा 1, किसमें 3 के ऊपर, क्योंकि पूरे में तो जाएंगे नहीं, तो 2 कैरी, 2 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी। तो 3 और 6 हमारा कितना हुआ, 6 3 9 9 1 10 10 की 0, फिर हमारा कैरी गया यहाँ एक 1, तो 1 1 1 1 1 2 2 1 3। तो आंसर कितना है हमारा, 30 ये लीटर वाला पार्ट हो गया एंड 250 ml वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे हमारा आंसर आया कि 30 लीटर 250 ml। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस एंड वी मीट। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, एंड ये आपको फिल इन द ब्लैंक अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग राइट आंसर लीटर एंड मिलीलीटर। अब जैसे हमने सिंपली इसमें ऐड किया था, अब इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 लीटर, पहले लीटर वाला पार्ट लिख लेंगे फिर ml वाला। तो 4 लीटर है हमारा और 650 ml, फिर क्या है 5 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है कि इससे इसको घटाना, पहले ऊपर ये लिखेंगे देन नीचे ये लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है इसको पहले लिखे, इसको इससे इसको घटाना होता है। ठीक है ना, इससे इसको नहीं, इससे इसको घटाएंगे, 5 वाले से 4 वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह सब में
कि राइट वाले से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले राइट वाला लिखेंगे फिर लेफ्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है सेम वाला प्रोसेस, पहले कि हम लिखेंगे क्या 5 and 200 milliliter, फिर हमारा 4 वाला लिखेंगे नीचे 4 and 650 milliliter। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह। तो कैसे करेंगे, 0 से 0 गया तो 0 ही आएगा, देन 0 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो इसमें से हमने एक 1 कैरी लिया तो ये बचा 1 हमारा, और ये कितना हो गया हमारा 10, तो 10 से 5 माइनस किया तो 5, ये हमारा 1 बचा, 1 से 6 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे इससे एक कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 1 बचा था, तो 11 6 गया हमारा 5। अब ये इससे एक कैरी चला गया तो हमारा क्या बचा 4, अब 4 से 4 गया 0, तो यानी कि 0 liter and 550 ml, तो आंसर कितना आएगा हमारा 550 ml हमारा आंसर आया, ठीक है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब जो सेकेंड है वाला है 22 liter 350 ml फ्रॉम 36 liter 900 milliliter, और फ्रॉम का मतलब इससे इसको घटाएंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे राइट साइड वाला यानी 36 वाला, तो पहले क्या लिखेंगे लीटर फिर ml, तो 36 liter and 900 ml, फिर क्या है पहले 22 liter and 350 ml, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह, हम पहले लिख लेंगे पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, अब 0 से 0 गया 0, अब फिर 0 से 5 नहीं जाएगा, एज यूजुअल हम कैरी लेंगे, तो ये हो गया 10, ये बचा हमारा 8, तो 10 से 5 गया 5, ये कितना बचा था हमारा 8, 8 से 3 गया 5, अब यहाँ 6 है, 6 से 2 गया 4, 3 से 2 गया 1, तो कितना आया हमारा 14 liter 550 ml, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह आपको सिंपली क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब बारी आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स की, आपको क्या करना है इसमें, मिसेस शर्मा बॉट 1 liter 350 ml ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, 2 liter 500 ml इन द आफ्टरनून एंड 2 liter 715 ml इन द इवनिंग, हाउ मच मिल्क डिड शी बाय। लिखा है मिसेस शर्मा ने 1 liter 350 ml मिल्क सुबह खरीदा, फिर दोपहर में 2 liter 500 ml, फिर शाम को 2 liter 750 ml, तो उसका टोटल कितना दूध हुआ, यानी कि मिस्टर शर्मा ने टोटल दूध कितना खरीदा, तो यानी कि हम लीटर 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 और मिलीलीटर तीनों को सबको ऐड कर देंगे, यानी कि लीटर 1, 2, 2 इनको ऐड कर देंगे, ये मिलीलीटर मिलीलीटर वाले मिलीलीटर वाले एक सीरियल से लिख के सबको ऐड कर देंगे। क्या करना है पहले में हमको ऐड करना है, ठीक है ना, क्या करना है ऐड करना है। बी नंबर है आ ड्रम कॉन्टेन, बी नंबर है आ ड्रम कॉन्टेंस 56 liter 750 ml ऑफ वाटर, 43 liter 220 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, हाउ मच वाटर डज इट कॉन्टेन नाउ, एक ड्रम में कितना हमारा 56 liter and 750 ml वाटर है, और उसमें हमने कितना पानी ऐड कर दिया 43 liter and 220 ml पानी और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, तो सिंपली हमको इसको इसको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, लीटर लीटर वाला मिलीलीटर मिलीलीटर वाला ऐड कर लेंगे, कैरी इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे जो आ रही है, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे हमने पहले आपको ऐड करके दिखाया तो उसी तरह ऐड करना है। सी नंबर है आप पेंटर बॉट 15 liter 560 ml ऑफ पेंट, एक पेंटर ने 15 liter 560 ml पेंट खरीदा, ही यूज्ड 7 liter 450 ml ऑफ इट, उसने उसमें से 7 liter और 450 ml यूज़ कर लिया, यानी यूज़ कर लिया, तो हाउ मच पेंट इज लेफ्ट, तो कितना बचा, अब बचे का मतलब है यानी कि माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट कर देना, तो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे इसको इसको, ठीक है ना, तो ये 15 लीटर वाला और इसको, तो टोटल नंबर पहले हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इतना खरीदा है और इतना यूज़ कर लिया है, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको नीचे यहाँ लिख देंगे, इससे लीटर वाले में 7 और मिलीलीटर में 450, तो 450 हम इसको माइनस कर देंगे, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। देन डी नंबर है
अ कार वॉज फिल्ड विथ 20 लीटर 300 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार के जो टैंक है उसमें कितना लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर एंड 300 मिलीलीटर। तो उसमें से 14 लीटर और 850 ml वाज यूज्ड इन द जर्नी। तो उन कार जहां घूमने गई थी यात्रा पे, वहां पर कितना यूज़ हो गया, 14 लीटर 850 ml उसमें से यूज़ हो गया। टोटल कितना था, इतना यूज़ हो गया तुम्हारा। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट, कितना पेट्रोल बचा। तो सिंपली जैसे हमने ये किया वैसे करेंगे, 20 के नीचे 40 लिख देंगे, 14 और 850 इनके नीचे लिख देंगे, आप माइनस कर लेंगे कैरी ले लेके, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है हमको, सिंपली माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। ई नंबर है, सरोज कैन ड्रिंक 1 लीटर 50 ml वाटर एट 1 go, बट अनूप कैन ड्रिंक ओनली 725 ml। हाउ मच मोर वाटर कैन सरोज ड्रिंक देन अनूप। सरोज कितना पानी पी सकता है, 1 लीटर एंड 50 ml यानी मिलीलीटर पानी एक बार में पी सकता है वो, लेकिन अनूप जो है वो केवल एक बार में 725 ml पानी पी सकता है। तो हाउ मच मोर वाटर सरोज ड्रिंक देन अनूप, तो अनूप से सरोज ने कितना ज़्यादा पानी पिया। तो सिंपली इसको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 लीटर 50 ml है तो यहाँ लीटर वाले में लिख देंगे 1 और मिलीलीटर वाले में लिख देंगे 50। अब यहाँ है क्या है, मिलीलीटर, खाली लीटर वाला कोई पार्ट नहीं दिया, तो 725, तो 725 इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5, ये कितना बचा 4, 4 से 2 गया 2। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा, कुछ है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ से 1 उठाया तो ये कितना हो गया 10, तो 10 से 7 गया हमारा 3। अब यहाँ हमारा जब 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा, तो हमारा कितना बचा 325 ml, यानी 325 ml पानी हमारा जो है सरोज अनूप से ज़्यादा पीता है। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट में, एफ नंबर, वासुज वाटर बॉटल कंटेंस 2 लीटर ऑफ वाटर। जो वासु की वाटर बॉटल है उसमें कितना पानी आता है, 2 लीटर पानी। ही ड्रंक 250 ml ऑफ वाटर बिफोर द लंच ब्रेक। उसने उसमें से 250 ml पानी जो है लंच के पहले ही पी लिया, फिर 180 ml ड्रिंक द लंच ब्रेक, और उसने उसमें से फिर 180 ml है लंच ब्रेक में पी दिया, फिर 190 ml वाइल रिटर्निंग होम। जब वो घर जा रहा था तो उसने रास्ते भी 190 ml पानी पी लिया। फिर हाउ मच वाटर इन लिफ्ट इन द बॉटल, तो उसके बॉटल में कितना पानी बचा, टोटल हमारा कितना था 2 लीटर पानी। पहले उसने कितना पिया, इतना, फिर क्या पिया, इतना, फिर कितना पिया, इतना, तो इसको 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 हम टोटल ऐड कर देंगे, जितना जितना पानी पिया ऐड करने के बाद 2 लीटर से माइनस कर देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ml वाले पार्ट जोड़ लेंगे, तो पहले कितना पिया था 250, फिर कितना पिया था 180, फिर कितना पिया था 190, तो 0000 ऐड करना है ना, फिर 5, 8 and 9, तो 8, 8, 16, 16 months, 17, 17, 5, 18, 19, 20, 22 की 2 कैरी गया 2, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, यानी कि उसने टोटल कितना पानी पिया 620 ml। अब उसके पास कितना पानी था 2 लीटर, तो 2 लीटर यानी कि 2 लीटर यानी इसको कन्वर्ट करके मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 1000, तो 2 × 2 000 ऐड कर देंगे तो कितना होगा हमारा 2000 ml। अब 2000 ml में 620 हम माइनस कर देंगे, 620 ml तब ऐड करेंगे, तो 0 से 0 हो गया 0, अब 0 से 2 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी लिया ये हुआ 10, फिर से कैरी लिया ये होगा 10, ये बचा हमारा 9, ये बचा हमारा 1, तो 1, 9 and 10, तो 10 से 2 गया 8, अब 9, 6 गया 3, अब इसमें से एक चला गया तो ये कितना बचा था 1, यानी कि हमारा क्या बना 1380 ml। अब 1380 ml यानी कि 1 अलग कर देंगे, 380 अलग कर देंगे, तो 1 liter 380 ml ये हमारा आंसर होगा। इतना पानी उसकी बॉटल में बचा, किसकी बॉटल में, वाशु की बॉटल में। ठीक है,
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज एंड यू विल रीड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट कैपेसिटी एंड डिवीजन द यूनिट ऑफ कैपेसिटी वेरी केयरफुली दिस रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन एंड वी मीट अगैन इन द एक्सरसाइज 8.10 सो देन बाय बाय.